भी करना पड़ेगा। आपके ऊपर जो आरोप है वो सही है क्या? वो पॉलिटिकल आरोप है, पॉलिटिकल आरोप। आपने कहा कि कई नेता के भी नाम है आपने लिए हैं, शायद किसी नेता के नाम, सब झूठ है। पॉलिटिकल आरोप लगाया जा रहा है बस। नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार पुलिस और ईओयू के बाद अब यूट्यूबर मनीष कश्यप से तमिलनाडु पुलिस पूछताछ करेगी। जी हाँ, आपको ये बता दें कि आज भारी पुलिस बल के साथ मनीष कश्यप तमिलनाडु के लिए पटना एयरपोर्ट से रवाना हो गए। वही मनीष कश्यप के पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते के साथ पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। इसके साथ ही मनीष कश्यप ने जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर अपने आरोपों को झूठा बता दिया है। दरअसल जब पत्रकारों से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि राजनीतिक नेताओं के द्वारा उन्हें जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। इसके साथ ही जितने भी तरह के वीडियो वायरल करने को लेकर जो उन पर आरोप लगाए गए थे उन सभी आरोपों को गलत बताया और साथ ही ये भी कहा कि तमिलनाडु पुलिस और बिहार पुलिस उनके साथ कुछ भी गलत व्यवहार नहीं कर रही है। इसके साथ ही मनीष कश्यप ने ये भी कहा कि पुलिस की पूछताछ में वे पूरा सहयोग दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे मनीष कश्यप, पहले वो सुन ले। आपके ऊपर जो आरोप है वो सही है क्या? वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल आरोप। आपने कहा कि कई नेता के भी नाम है आपने लिए हैं, शायद किसी नेता के नाम, सब झूठ है। पॉलिटिकल आरोप लगाया जा रहा है बस। ठीक है। इतना भरोसा है जरूर बदलेगा। और तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कहीं पर व्यवहार नहीं कर रहा है, बिहार पुलिस ने भी मेरे साथ कहीं कुछ गलत नहीं किया है। तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं किया है। भैया आप हटिए ना थोड़ा सा, टोपी आ रहा है आपका, विजुअल हम लोग का बनने दिए थोड़ा सा। ट्रांजिट रिमांड जो है भारत में पहली बार पत्रकार के साथ ऐसा किया गया है। अरे आप गलती हुई है, क्या आपको फंसाया जा रहा है पॉलिटिकली? आपने आरोप लगाया है, भरोसा है क्या? आपने फर्जी वीडियो वायरल किया है? गलत बात है, आपके देख सकते हैं। मैंने बोला है कि बिहार के मजदूरों का है। क्या तमिलनाडु में बिहारियों पर अत्याचार हुआ है? तमिलनाडु में बिहारियों पर अत्याचार हुआ है? आपको बता दें कि पिछले दिनों तमिलनाडु का मामला पूरे बिहार में तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। पूरे बिहार में ये चर्चा थी कि तमिलनाडु में मजदूरों की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। वहीं मजदूरों को लेकर फर्जी वीडियो यूट्यूब पर वायरल करने को लेकर यूट्यूबर मनीष कश्यप पर फरमान जारी कर दिया था। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी करवा दी गई थी, जिसके बाद जब पुलिस की जांच बैठी तो मनीष कश्यप पकड़े गए और उसके बाद लगातार उन्हें रिमांड पर लिया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। अब तक बिहार पुलिस ने उनसे पूछताछ की, उसके बाद ईओयू ने भी उनसे पूछताछ की, लेकिन अब तमिलनाडु पुलिस भी इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। तो वही मनीष कश्यप ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि बिहार पुलिस पर उन्हें पूरा भरोसा है। हालांकि उन्होंने बिहार के नेताओं पर आशंका जता दी है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मुझे पुलिस पर पूरी तरह से भरोसा है, लेकिन बिहार के नेताओं पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों मनीष कश्यप से पूछताछ के क्रम में ऐसी खबरें सामने आई थी कि मनीष कश्यप ने उनके पीछे एक बड़े राजनेता का हाथ होने का बात सामने आई है। मनीष कश्यप ने ही ऐसी बातें कही थी, लेकिन इन बात को भी उन्होंने विराम दे दिया है और साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो सभी बातें झूठी हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ना ही उन्होंने फर्जी वीडियो को यूट्यूब पर वायरल किया है और ना ही किसी राजनेता का नाम लिया है। तो वहीं अब देखने वाली बात होगी कि तमिलनाडु पुलिस के पूछताछ के क्रम में और क्या कुछ खुलासे होते हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे एक न्यूज 24 के साथ।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।